हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज हम मुगलों में और मुगलों के सबसे पावरफुल राजा अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं मुगल शासक अकबर के बारे में पढ़ना। 1556 में जब असमय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर, तो उस समय उसके 14 साल के बेटे अकबर को नया राजा बनाया जाता है, जो कि मुगलिया सल्तनत के सबसे पावरफुल राजा के रूप में साबित होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास के मुगलों के उस पावरफुल राजा अकबर के बारे में। अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पंजाब के अमरकोट में राजा वीरसाल के घर पे हुआ। इसका जन्म 1542 में हुआ। कहाँ? अमरकोट वीरसाल। अमरकोट क्यों थी इसकी मदर, इसको पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री के हुमायूं के सेशन को पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ उसे जाकर के पढ़िएगा। अमरकोट के राजा वीरसाल के घर इसका जन्म हुआ। अकबर की मदर का नाम हमीदा बानो बेगम था और इसके फादर का नाम हुमायूं, पिता हुमायूं और मदर हमीदा बानो बेगम। याद रखिएगा, अकबर का बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम था जलाल। जलाल इसे बचपन के नाम से पुकारा जाता था। जैसे ही 1556 में डेथ होती है हुमायूं की, तो हुमायूं का एक हमशक्ल था जिसका नाम था मुल्ला बैक्सी। काफ़ी दिन तक इस चीज़ को छिपाया जाता है कि मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु हो गई है और उसकी जगह पर उसके हमशक्ल मुल्ला बैक्सी को राजा के वस्त्र पहनाकर और महल के ऊपर घुमाया जाता है, ताकि आसपास के लोगों को ये पता लगे कि राजा जिंदा है और अराजकता का माहौल पैदा ना हो। लेकिन कुछ समय बाद और ये चीज़ें रिवील होने लगती है कि हुमायूं की डेथ हो गई है और जिसे घुमाया जा रहा है वो मुल्ला बैक्सी है, जो कि हुमायूं का हमशक्ल है। इसी चीज़ को देखते हुए 14 फरवरी 1556 को, 1556 को बैरम खां रोहतक के पास एक जगह है, जिस जगह का नाम है कलानोर। रोहतक के पास कलानोर में 14 वर्षीय अकबर का कोरोनेशन या राज्याभिषेक कर देते हैं। और राज्याभिषेक करने के साथ ही इसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को बादशाह गाजी का टाइटल देते हैं। और इसका टाइटल लेकर के 14 वर्ष की आयु में अकबर मुगलिया सल्तनत के नए राजा बनते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले आपने सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। सूरी जो वंश था, उस सूरी वंश में और सूरी डायनेस्टी के एक सेनापति या वजीर रहे हैं, और उस वजीर का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हिस्ट्री में हेमू के नाम से फेमस काफ़ी ज़्यादा हुआ। इतिहास में ऐसे 14 राजा रहे हैं, 14 शासक रहे हैं जिन्होंने उपाधि ली, जिसने कौन सा टाइटल लिया, विक्रमादित्य। और उन्हीं विक्रमादित्यों में से एक रहे हैं हमारे हेमू। हेमू कहाँ के रहने वाले थे? ये रेवाड़ी के रहने वाले थे और बेसिकली ये एक नमक के व्यापारी थे। ये नमक का व्यापार करते करते दिल्ली पहुँचते हैं, और दिल्ली में उस समय सूरी वंश का राज था। और सूरी वंश में धीरे धीरे ये अपने आप को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि सूरी वंश में इनको सेनापति या वजीर का टाइटल दे दिया जाता है। और ये वजीर सूरी वंश में 22 लड़ाइयाँ लड़ते हैं और 22 की 22 लड़ाइयाँ जीतते हैं।
कौन आपके, हेमू। और यही रीज़न था कि हेमू को कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। और जैसे ही 1556 में मृत्यु होती है हुमायूं की और एक 14 साल के लड़के को राजा बनाया जाता है, तो हेमू सोचते हैं कि क्यों ना वो दिल्ली जा कर के अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दे, क्योंकि एक 14 साल के लड़के को हराना बहुत ही आसान काम है। तो याद रखिएगा, हेमू विक्रमादित्य ये सूर्य वंश का सेनापति था। इसने 22 लड़ाइयाँ लड़ी और 22 के 22 लड़ाइयों में इसने अपने विरोधियों को हराया। हेमू को जब ये पता लगता है कि 14 वर्ष का लड़का जो राजा बना है, जो कि इस समय अपनी कैपिटल आगरा में है, इसका फ़ायदा उठा करके और वो अक्टूबर 1556 में दिल्ली आकर अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा भी आपका कौन रहा है? हेमू। जैसे ही ये बात पता लगती है बैरम खां को, जो कि उस समय आगरा में थे, बैरम खां इस बात को सोचते हैं कि एक देश में एक ही बादशाह हो सकता है और बादशाह पहले से ही अकबर है, तो हेमू को बादशाह का टाइटल या बादशाह की उपाधि नहीं दी जा सकती। और वो अपनी आर्मी को लेकर के मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली से हेमू अपनी आर्मी को मार्च लेकर के करता है आगरा की तरफ। और दिन था 5 नवंबर का और ईयर था 1556, और दोनों की सेनाएं आमने सामने थी आपके कहाँ पे, पानीपत में। और इस दिन ही पानीपत का ऐतिहासिक दूसरा युद्ध लड़ा गया। याद रखिएगा, इसमें मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। जिस 14 साल के लड़के को हराने की फिराक में गया था हुमायूं, वो 14 साल का लड़का उसे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया। और बैरम खां ने इस युद्ध में अपनी एक तीरंदाज, आर्चर्स बहुत अच्छे रहे हैं, मैंने बताया था आपको मुगलों में एक पूरे के पूरे आर्चर की टीम को उसने हुमायूं के पीछे लगा दिया। बताते हैं कि ऑलमोस्ट हुमायूं ये युद्ध जीत ही चुका था, लेकिन गलती से एक तीर उसकी आँख में लग गया और वो अपने हाथी से गिर जाता है। और गिरते ही बैरम खां उसे उसी समय वहीं पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसको बिहेडेड करके उसके सर को काट दिया जाता है, जिससे हुमायूं की सेना में खलबली मच जाती है। और बाद में उसके सर को ला करके पुराना किला ओल्ड फोर्ट के दरवाजे पर टांग दिया जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी उस 14 साल के लड़के के खिलाफ बगावत करने की कोशिश ना करे। धीरे धीरे अंडर द एजिस ऑफ बैरम खां के संरक्षण में राज करता रहता है आपका अकबर, क्योंकि अकबर की आयु उस समय काफ़ी कम थी। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी जोधा अकबर मूवी में, जो उस मूवी के फर्स्ट सीन है। बेसिकली मुगलों की आर्मी में क्या होता था कि जब भी किसी राजा को हराया जाता था तो आर्मी कहती थी कि पूरी आर्मी के सामने उसको बिहेडेड किया जाए या उसका सर कलम किया जाए। अकबर सर कलम करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसकी आयु काफ़ी कम थी। बैरम खां ने बेसिकली एक कर्टेन या एक पर्दा लगवाया और पर्दे के पीछे वो खुद सर कलम करता, और उसके बाद तलवार किसके हाथ में दे देता, अकबर के हाथ में, और पर्दे को हटा दिया जाता। और ऐसा करते करते उस मुगलों की आर्मी ने उस 14 साल के लड़के को अपना राजा मानना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये 14 साल का लड़का बड़ा होता है, इसे रियलाइज होता है कि बैरम खां के अंडर में ये जो चीज़ कर रहा है वो बहुत ही गलत है। 1556 से 1561 तक बेसिकली 5 साल तक इसने बैरम खां के संरक्षण में काम किया, अंडर द एजिस ऑफ बैरम खां। 1561 में पहली बार ये मालवा के राजा बाज बहादुर को हराते हैं। और बाज बहादुर को हटाने के बाद जैसे ही उसको सामने लाया जाता है और सर कलम करने की बात आती है, तो एक बूढ़ा राजा अकबर के पैरों में गिर जाता है और वो कहता है कि उसकी हत्या ना की जाए, क्योंकि वैसे ही वो मुगलिया सल्तनत के अंदर काम करने को तैयार हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए अकबर उसे क्षमा कर देते हैं। हालांकि ये बात बहुत बुरी लगती है,
बैरम खां को। उसे लगा कि मुगलों की परंपराओं को तोड़ रहे हैं अकबर, जबकि अकबर को लगा कि अगर किसी बूढ़े राजा ने वैसे ही क्षमा मांग ली है तो उसका सर कलम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी टाइम पीरियड में और युद्ध भी होता है बैरम खां और अकबर के बीच में, और बैरम खां के इस युद्ध से नाराज़ होकर के और अकबर उससे नाराज़ होकर के उन्हें अपने साम्राज्य से जाने की सलाह दे देते हैं। हालांकि बाद में वो उनसे दोबारा क्षमा भी मांगते हैं और उनसे वापस आने को लिए भी कहते हैं, लेकिन इस क्षमा को मानने से इनकार कर देते हैं बैरम खां। और बैरम खां 1561 में इसके साम्राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। मूवी में आपने देखा होगा अकबर कहते हैं कि चचा अब हम अपने निर्णय लेने के खुद योग्य हो गए हैं, तो बेहतर होगा कि आप मक्का मदीना की यात्रा पर चले जाओ। बैरम खां 1561 में मक्का की यात्रा पर जा रहे थे जब, तो मार्ग में एक जगह आई पाटन, जो कि आपका कहाँ पे है, गुजरात। और पाटन गुजरात में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां नामक अफगान व्यक्ति द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या करने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि बैरम खां ने 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था, और मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने मुबारक खां के पिता की हत्या की थी, और इसी का बदला मुबारक खां ने उससे किया और उसकी हत्या कर दी 1561 में। बैरम खां की हत्या होने के बाद उसकी, बैरम खां की विधवा जिसका नाम था सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से निगाह कर लेते हैं कौन, अकबर। और आगे चल कर के अकबर अब्दुर रहीम को जो कि बेटा था बैरम खां को, उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं। हिस्ट्री में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को बहुत ही क्या मिलता है, ज़्यादा। इसी तरीके से कुछ अकबर के टाइम पीरियड में भी है। अगर अकबर के टाइम पीरियड में 1560 से 1562 के टाइम पीरियड की मैं बात करूं, तो ये वो टाइम पीरियड था जब अकबर की धायमा, एक धायमा का मतलब वो माँ जिसके संरक्षण में, और अकबर का जीवन पिता, धायमा का दर्जा अकबर ने अपनी पैदा करने वाली माँ से भी ज़्यादा दिया। इसकी धायमा रही है महम अंगा। अगर मैं बात करूँ महम अंगा और महम अंगा के पुत्र जिसका नाम था आदम खा अंगा, और इसकी पुत्री जिसका नाम था जीजी अंगा, ये पूरा एक परिवार था। धायमा, उसका बेटा आदम खां अंगा और उसकी पुत्री जीजी अंगा, यही इन 2 सालों के दौरान और मुगलिया सल्तनत के सर्वे सर्वा थे। इन्हीं के इशारे पर और सब काम होते थे, और यही रीज़न था कि इस टाइम पीरियड को, 1560 से 1562 के टाइम पीरियड को इतिहासकारों द्वारा पेटीकोट शासन कहा गया है, क्योंकि नाम मात्र के राजा थे अकबर, पीछे से सारे का सारा रूल करती थी महम अंगा, आदम खां और उसकी पुत्री जीजी अंगा। अकबर ने अपने टाइम पीरियड में कुछ एक बहुत ही बेहतरीन सुधार किए। अकबर को हिस्ट्री में एक सोशल रिफॉर्मर कहना भी गलत नहीं है। इन्होंने 1562 में दास प्रथा, या जिसे हम स्लेवरी सिस्टम कहते हैं, उसकी समाप्ति की। इसके साथ साथ 1563 में इन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स, जो उस समय तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, उसे समाप्त कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने 1564 में सबसे महत्वपूर्ण कर जिसे जजिया कहा जाता था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था, जजिया टैक्स को इसने समाप्त कर दिया। और जजिया टैक्स की समाप्ति के साथ ही अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की। झरोखा दर्शन से अकबर की लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा बढ़ी। झरोखा दर्शन का मतलब था कि राजा ने अपने महल के बाहर एक बहुत बड़ा कर्टेन, पर्दा या झरोखा लगवा दिया। लोगों को पता था कि इस समय राजा आएंगे, लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। राजा उस झरोखे को हटा करके
और लोगों को अपने दर्शन देते थे। लोगों को ये लगता था कि हर रोज़ राजा उनसे मिलने के लिए आते हैं, और इसी वजह से अकबर की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा रही है। इसके साथ साथ इसने पहली बार हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू त्योहारों को मनाने की प्रथा की शुरुआत की, मनाने की प्रथा की शुरुआत की इसके लिए। और कहा जाता है कि इसके प्रशासनिक सुधार बहुत ही शानदार रहे हैं। बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर के जैसे ही ये मालवा के राजा को हराता है, तो मालवा का जो रीजन था वो बेसिकली आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश का रीजन था। इसके बाद और 1562 में और राजपूतों पे आक्रमण, या बेसिकली अपने राजस्थान अटैक्स, राजस्थान के ऊपर आक्रमणों की शुरुआत कर देते हैं कौन? बाबर। और इसी कड़ी में 1562 में बाबर आक्रमण करते हैं आमेर, आमेर। और आमेर पर उस समय राज करते थे राजा भारमल। तो जैसे ही ये आमेर पे आक्रमण करते हैं, तो उस समय अकबर की फिलॉसफी ये थी कि अगर किसी राजा को युद्ध में हराया जा सकता है तो उसे हराया जाए, अदरवाइज राजा से ट्रीटी या संधियां करके उसे अपने फेवर में किया जाए। और इसी के लिए उसने मैट्रिमोनियल अलायंस या वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की। 1562 में आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधा बाई, जोधा बाई जिसे हिस्ट्री में हरका बाई के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ विवाह किया मुगल राजा अकबर ने। और इसी के साथ उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की शुरुआत की। आगे चल करके उसने जोधा बाई के परिवार से अलग अलग व्यक्तियों को अपने साम्राज्य में अलग अलग उपाधियों पे रखा। जैसे राजा मानसिंह, ये जोधा बाई के भाई भगवान दास के बेटे थे, और राजा मानसिंह को आगे चल करके अपना सेनापति बनाया किसने? अकबर ने। अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे भी मुगल राजा, राजपूत राजा रहे थे जिन्होंने इसके साथ वैवाहिक संबंध या इसकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसी में से एक मेवाड़ के बहुत ही पावरफुल राजा रहे हैं जिनका नाम था महाराणा प्रताप। याद रखिएगा, 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और मुगलों की तरफ से अकबर नहीं गए थे, उसने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा था। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में और महाराणा प्रताप को मान सिंह ने हराया। हल्दी घाटी राजस्थान में है, ये अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में बना हुआ एक दर्रा है। इन दर्रों की नॉलेज राजस्थान के राजा मानसिंह को बहुत ही ज़्यादा थी। यही रीज़न था कि अकबर ने खुद ना जा कर के अपने सेनापति मानसिंह को वहाँ पे भेजा। हालांकि इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और वहाँ से चले गए। उन्होंने एक तरीके से खानाबदोशों, नोमाड्स वाला जीवन जिया, और 19 जनवरी 1597 को उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर, अकबर के कोई पुत्र नहीं था। अकबर बार बार अजमेर में सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर के ये दुआ मांगते थे कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ताकि उसका कोई उत्तराधिकारी हो सके। और यही रीजन था कि अपने शासनकाल के 14वें वर्ष उनको सलीम चिश्ती की दुआ से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और वो उस पुत्र का नाम क्या रखते हैं? सलीम। तो इनका एक बेटा था जिसका नाम सलीम था, और यही सलीम हिस्ट्री में आगे चल कर के जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूँकि ये सलीम चिश्ती की दुआओं से उसे लगा कि पैदा हुआ है, इसीलिए उसने इसका नाम सलीम रखा। सलीम चिश्ती की इसी इसी भेंट के कारण या इसी चीज़ के कारण, और उसने सलीम चिश्ती के ओनर में 1571 में, 71 में और आगरा के पास एक नई शहर की स्थापना करवाई, जिस शहर का नाम उसने रखा फतेहपुर सीकरी। और 1571 में इस शहर की स्थापना होने के साथ ही उसने अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को आगरा से
ट्रांसफ़र कर लिया कहाँ, फतेहपुर सीकरी। और याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी को उसने सलीम चिश्ती की याद में बनवाया था, उसके ओनर में बनवाया था। 1572 में राजा गुजरात में विजित होते हैं और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और राजा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाते हैं। याद रखिएगा बुलंद दरवाजा, अगर आप फतेहपुर सीकरी एंट्री करते हो तो फतेहपुर सीकरी में एंट्री करने से पहले एक बहुत बड़ा दरवाजा है और उसी दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा। इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में राजा ने बनवाया था और इसे एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा भी कहा गया है। 1575 में राजा फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना की स्थापना करते हैं। इबादत खाना बेसिकली एक धार्मिक चर्चा स्थल था। इस धार्मिक चर्चा स्थल में पहले मुसलमानों के प्रवेश की ही आज्ञा थी, लेकिन 1578 से इसने सभी धर्म के लोगों को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। इबादत खाने को 1578 में एक तरीके से इसने धार्मिक संसद बना दिया। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते थे, सभी धर्मों के लोग आकर के और यहाँ पर धार्मिक चर्चाएं करते थे, इसीलिए इसे धर्म संसद कहा गया है। धर्म में बहुत ही अटूट विश्वास रहा है। मुगल राजा अकबर का यही रीज़न था कि 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा करने का मतलब था कि अकबर ने सारे के सारे रिलीजियस मैटर्स या धार्मिक मामलों को अपने हाथों में ले लिया। राजा ने अपने हाथों में ले ली इस बागडोर को कि आगे से जो भी धार्मिक डिसीजंस होंगे वो खुद राजा करेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए जो धार्मिक संसद या जो इबादत खाना था, जहाँ पर सभी धर्म के लोग चर्चा करने के लिए आते थे, उन सभी धर्मों की बेहतरीन चीज़ों से जो कंक्लूजन या जो निष्कर्ष निकला, उसी निष्कर्ष को देखते हुए 1582 में दीन-ए- इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना करवाई। किसने? अकबर ने। ये अलग बात है कि ये धर्म इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं तो इतिहास के एकमात्र राजा बीरबल ऐसे रहे हैं जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया। वैसे टोटल 21 लोग माने जाते हैं जो इसके समर्थक थे, लेकिन राजा उसमें से खाली एक रहे हैं और वो हमारे कौन रहे हैं? बीरबल। 1583 में एक एरा या हिंदी में जिसे हम संवत बोल देते हैं, इलाही संवत की भी शुरुआत करवाई। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। लेकिन इलाही संवत भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। वर्तमान समय में हमारे कैलेंडर शक संवत पे आधारित हैं और ये बनाए जाते हैं। जैसे ही रियलाइज हुआ राजा को कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके, तब राजा अपनी कैपिटल को 1585 में और फतेहपुर सीकरी से और ट्रांसफ़र कर लेते हैं कहाँ पर? लाहौर। तो याद रखिएगा तीन राजधानियाँ रहीं अकबर की, लाहौर, आगरा और फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्यों फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था जो लगभग 10 सालों के अंदर ही वीरान हो गया। आगरा से 36 किलोमीटर दूर राजा ने एक ऊंचे से टीले के ऊपर इस शहर की स्थापना करवाई। ये रीजन आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही राजधानी बनी तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर पीने के पानी की किल्लत बहुत ही ज़्यादा होने लगी। और ये किल्लत इतनी बड़ी कि आने वाले समय में राजा को वो राजधानी छोड़नी पड़ी और राजधानी अपनी उसने आगे चल के शिफ्ट कर ली क्या? लाहौर। और लोगों ने दीन-ए-इलाही धर्म को भी इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि लोगों को लगा कि ये धर्म राजा के लिए एक अभिशाप रहा है। इस धर्म की स्थापना करने के बाद कुछ समय बाद ही राजधानी को बदला गया। यही रीज़न था कि लोगों ने इस धर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अकबर ने कुछ एक सोशल रिफॉर्म भी किए, सामाजिक सुधार भी किए हैं। जैसे इसने सिख
गुरु, जो चौथे हमारे सिख गुरु रहे हैं, जिन गुरु का नाम रहा है रामदास। इन्होंने रामदास को 500 बीघा जमीन दी और इसी 500 बीघा जमीन पर रामदास ने आने वाले समय में 1577 में अमृतसर जैसे शहर की स्थापना की। याद रखिएगा, अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर था। अगर मैं बात करूं तो इसने सती प्रथा को रोका, शराब पर प्रतिबंध लगाया और 16 वर्ष लड़कों की शादी की आयु और 14 वर्ष लड़कियों की शादी की आयु निर्धारित की। तो ये कुछ एक सामाजिक सुधार रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स रहे हैं जो अकबर ने किया। 1601 में इसने अपना अंतिम युद्ध असीरगढ़ के फोर्ट में लड़ा और 16 अक्टूबर 1605 को 1605 को इसकी मृत्यु हो गई। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इनका टोम या इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है आपका? सिकंदरा। और याद रखिएगा, सिकंदरा आपका कहाँ पे है? आगरा में। किस चीज़ के लिए फेमस या प्रसिद्ध रहे हैं हमारे अकबर? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में 9 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसको अकबर के 9 जेम्स या हिंदी में अकबर के क्या कहा जाता है? नवरत्न। याद रखिएगा, हिस्ट्री में एक और भी राजा रहे हैं जिन राजा का नाम था हमारा चंद्रगुप्त तृतीय। उनके दरबार में भी नवरत्न रहे हैं, लेकिन वो हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के नवरत्नों में जो पहले नवरत्न रहे हैं वो रहे हैं अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल जो थे ये बेसिकली एक राइटर या एक लेखक रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो एक नया धर्म चलाया था, जिस धर्म का नाम था दीन इलाही, दीन इलाही धर्म के पुरोहित भी कौन रहे हैं हमारे? अबुल फजल। बेसिकली ये ही वो धर्म था जो इन्हीं के एजेस में या इन्हीं के संरक्षण में शुरू किया गया था। अगर मैं अबुल फजल की बात करूं तो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है अकबर नामा। अकबर नामा को लिखने में इसे 7 वर्ष लग गए। अकबर नामा को इसने 1, 2 और 3 तीन वॉल्यूम में लिखा है। और जो अकबर नामा का जो तीसरा हिस्सा है उसे ही हम कहते हैं क्या? आईने अकबरी। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि आईने अकबरी के राइटर कौन है, तो वो भी अबुल फजल रहे हैं। और याद रखिएगा, ये तीसरा हिस्सा है किसका? अकबर नामा का ही। और इसे लिखने में 7 वर्ष लगाए किसने? अबुल फजल ने। अगर मैं बात करूं अबुल फजल की, तो 1602 में 1602 में सलीम के कहने पर जो कि बेटे रहे हैं किसके? अकबर के। सलीम कर के कहने पर आगरा के पास वीर बुंदेला द्वारा हत्या कर दी गई। किसकी? अबुल फजल की। ये अकबर के नवरत्नों में से एक रहे हैं। सेकंड, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि दो सिबलिंग, दो भाई भी क्या नवरत्नों में से रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, अबुल फजल और फैजी। अगर मैं बात करूं फैजी की, तो ही इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ अबुल फजल। ये अबुल फजल के बड़े भाई रहे हैं और ये इतने इम्पोर्टेंट थे कि इसे अपना कोर्ट पोइट या हिंदी में राज कवि नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। एक बहुत ही फेमस बुक रही है, एक किस्सा है नल दमयंती, जिसके राइटर या जिसके लेखक कौन रहे हैं? सूरदास। नल दमयंती जिसे सूरदास ने लिखा, उसे फारसी लैंग्वेज, फारसी भाषा में अनुवाद या ट्रांसलेट करने का काम किसके द्वारा किया गया? फैजी के द्वारा। तो याद रखिएगा, फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे। थर्ड नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे मियाँ तानसेन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार के घर जन्म हुआ। किसका? मियाँ तानसेन का। मियाँ तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। अगर मैं बात करूं तो इनके गुरु
मियाँ तानसेन के जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं हमारे कौन, स्वामी हरि दास। स्वामी हरिदास ये म्यूजिशियन थे जो पहले मेवाड़ के राजा के संरक्षण में काम करते थे, लेकिन जैसे ही मेवाड़ और राजपूतों से अच्छे संबंध हुए अकबर के, तो अकबर इतने खुश होते हैं रामतनु पांडे से कि वो उसे मेवाड़ से ला करके और अपने दरबारी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। किसे, मियाँ तानसेन को। अगर मैं मियाँ तानसेन की बात करूं तो अकबर मियाँ तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास, वाणी विलास का टाइटल या वाणी विलास की क्या देते हैं, उपाधि। तानसेन ऐसे संगीतज्ञ रहे हैं जिनको सुन करके आपका कंठ भर आता था। बेसिकली जब ये राग मल्हार गाते थे तो आसमान से बादलों की बारिश होने लगती थी, तो बहुत ही पावरफुल रहे हैं तानसेन आपके एज ए म्यूजिशियन या संगीतज्ञ के रूप में। कुछ किस्सा इनके गुरु स्वामी हरिदास से भी है। चूंकि तानसेन से इतने ज़्यादा प्रभावित थे अकबर, तो अकबर ने कहा कि वो उनके गुरु से भी कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन स्वामी हरिदास जो कि वृंदावन में रहते थे उन्होंने मुगलों के दरबार में आकर गाने से मना कर दिया। यही रीज़न था कि अकबर खुद उनसे मिलने वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के उन्होंने उनके संगीत को सुना। फोर्थ नंबर पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं वो रहे हैं राजा बीरबल। याद रखिएगा, बीरबल को राजा का टाइटल देने वाले भी कौन रहे हैं, अकबर। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। इनका जन्म नारनौल, जो कि आपका हरियाणा है, नारनौल के बूढ़िया गांव में हुआ, ये इनका जन्म स्थान रहा है। राजा की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा। याद रखिएगा, राजा कवि प्रिय नर हरि और महापात्र, महापात्र ये इसके टाइटल्स या उपाधियां रही है जो अकबर ने इन्हें दिए। एक तरीके से ये राजा के एडवाइज़र या सलाहकार रहे हैं। ये राजा को बेसिकली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक जो सुधार होते थे उनके ऊपर राजा को सलाह देते थे। बीरबल एक बहुत ही अच्छे लेखक भी रहे हैं। ये ब्रह्मा के पेन नेम या हिंदी में इसे कह देते हैं उपनाम से काफ़ी कविताएं भी लिखा करते थे। भारत का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कहते हैं, जो बेसिकली आज आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में अकबर के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया एक जनजाति द्वारा, जिस जनजाति का नाम था यूसुफ जाई। और इस जनजातियों के विद्रोह को दबाते समय युद्ध के दौरान राजा बीरबल की क्या हो जाती है, मृत्यु। और याद रखिएगा, राजा बीरबल ही ऐसे एकमात्र राजा रहे हैं जिन्होंने दीन इलाही धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। फिफ्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो इसके दरबार में रहे हैं वो रहे हैं टोडरमल। टोडरमल एक खत्री खत्री जाति से संबंध रखने वाले हिंदू थे और ये वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं किसके, अकबर के। इसने दहसल प्रथा या दहसल व्यवस्था की शुरुआत की। देखिएगा, दहसल का मतलब होता है 10 वर्ष। ये प्रथा 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी। इसके तहत अपने कुल जमीन पर उत्पादन का 1/3 हिस्सा आपको राजा को टैक्स या कर के रूप में देना पड़ता था। यही व्यवस्था कहलाई दहसल। इसके साथ जो सबसे पावरफुल छठे जो नवरत्न रहे हैं वो रहे हैं राजा मानसिंह। अगर मैं बात करूं राजा मानसिंह की, तो राजा मानसिंह भारमल के बेटे भगवान दास के पुत्र थे, जो कि कहाँ से संबंधित थे। राजा मानसिंह का संबंध आमेर से था। राजा मानसिंह के पिता भगवान दास को अमीर ए उलमा अमीर ए
उलमा का टाइटल दिया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और राजा मानसिंह को उसने अपने दरबार में सेनापति अपॉइंट किया, सेनापति नियुक्त किया। ये एक मिलिट्री कमांडर रहे हैं, किसके? अकबर के। राजा मानसिंह ही थे जिन्होंने जिन्होंने राजपूतों के खिलाफ हल्दीघाटी के युद्ध में नेतृत्व किया था। किसका? अकबर का। इसके साथ साथ अकबर के एक हाफ ब्रदर, इसके एक सौतेले भाई रहे हैं जिसका नाम रहा है हकीम। इसके जो स्टेप ब्रदर, जो सौतेले भाई रहे हैं हकीम, जो कि राज करते थे कौन से रीज़न पर? अफगानिस्तान। उस रीजन के ऊपर भी आक्रमण करने का क्रेडिट या श्रेय किसको जाता है? राजा मानसिंह को। याद रखिएगा, राजा मानसिंह की बुआ थी कौन? जोधा बाई। तो अगर रिश्ते में देखा जाए तो अकबर इसके फूफा लगे। 7th नंबर पर बहुत ही पावरफुल जो नवरत्न रहे हैं वो रहे हैं हमारे अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। और अब्दुल रहीम को खानी खाना खाने खाना खाने खाने का टाइटल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये है किंग्स ऑफ किंग, कि ये राजाओं के राजा थे। तो इसका टाइटल आपको दिया था किसने? अकबर ने। अब्दुल रहीम कौन थे? ये बैरम खां के पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र थे। जब बैरम खां की हत्या हो जाती है तो इसे अपने बेटे की तरह ज़्यादा पाला था अकबर ने, क्योंकि इसकी विधवा माँ से शादी कर ली थी अकबर ने। इतने पावरफुल रहे हैं अब्दुल रहीम, ये एक कवि रहे हैं, कपलेट रहे हैं, इनके दोहे काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसका फारसी भाषा में ट्रांसलेट या अनुवाद करने का काम किया था अब्दुल रहीम खान ने, खाना ने। 8वें नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और रहे हैं नवरत्नों में वो रहे हैं फ़कीर अजियुद्दीन। फ़कीर अजियुद्दीन, फ़ज़ीर अजियुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो ये एक सूफ़ी संत रहे हैं। इसके साथ साथ ये राजा के एडवाइज़र या सलाहकार रहे हैं। और अकबर एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो अकबर ने जो भी अपने अंडर शाही विश्वविद्यालय खोल रखे थे उनका प्रमुख नियुक्त किया था फ़कीर अजियुद्दीन को। मतलब बेसिकली एक तरीके से इसका काम राजा के एम्पायर के दौरान अच्छी से अच्छी स्कूलों में एजुकेशन या शिक्षा देना था, एजुकेशन मिनिस्टर टाइप ये रहे हैं। 9th नंबर पे रहे हैं हमारा मुल्ला दो प्याज़ा। ये बेसिकली मुल्ला एक रिलीजियस गुरु, एक धर्म गुरु थे, जो कि कहाँ से थे? हमारे अफगानिस्तान से। इसको दो प्याज़ा का टाइटल दिया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये भी राजा के एडवाइज़र या सलाहकार रहे हैं। इन 9 व्यक्तियों के अलावा और भी कुछ एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी जो अकबर के दरबार में थे, लेकिन उनको नवरत्नों में काउंट किया नहीं जाएगा, जैसे दशवंत और बसावन। ये बहुत ही फेमस चित्रकार चित्रकार पेंटर रहे हैं किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में चार बाग बनाने की शुरुआत की गई। मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ चार बाग के बारे में बाबर में, तो आप प्लीज़ बाबर की वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ अकबर एक वाद्य यंत्र बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, जिसका नाम था नकारा, या नकारा को ही आज हम किस के नाम से जानते हैं, नगाड़ा। तो इसको बजाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहा है अकबर आपका। अकबर के अंतिम दिन दुख में व्यतीत हुए, क्यों? क्योंकि उसके बेटे सलीम द्वारा राजा का विरोध करना शुरू कर दिया गया। इसकी मृत्यु होने के बाद इसका मकबरा आगरा के सिकंदरा में बनाया गया। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।